गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पैटर्न्स ऑफ नंबर सीखेंगे, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ नंबर्स कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में है, ठीक है। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखा है 500, यहाँ लिखा है 502, यहाँ लिखा है 504। तो देखिए यहाँ पर ये किस पैटर्न में अरेंज किए हुए हैं, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, ये जो पैटर्न है इसे पहचानना होगा और फिर आगे जो ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन्हें फिल करना होगा। तो आप पहले नंबर पहचानेंगे और उसका पैटर्न पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक जो रो है वो एक सीरीज में है और उसका एक डिफरेंट पैटर्न है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ 500 लिखा है, यहाँ लिखा है 502, तो इसका मतलब क्या है, 500 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो आपको 502 मिल जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, आपने काउंटिंग रीड की होगी, काउंटिंग पढ़ी है आपने, तो आप क्या करेंगे, 500 लिखा है यहाँ, देन इसके बाद क्या आता है, 501, तो यहाँ पे 1 नंबर को स्किप किया हुआ है, देन अब दूसरा नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 503 को स्किप करके 504 लिखा है। ध्यान से देखिए एक और बार, 500 लिखा है यहाँ, फिर 501 को देखिए, 501 को स्किप किया हुआ है, फिर 502 लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ 503 को स्किप किया हुआ है, देन 504 लिखा है। तो ऐसे ही हमें आगे भी करना है, 504 के बाद क्या आता है, 505, और हमें 505 को क्या करना है, स्किप करना है और उसके आगे वाला लिखना है। तो 505 के बाद क्या आता है बच्चों, 506, फिर 506 के बाद में 1 नंबर को स्किप करना है, देन नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो 506 के बाद क्या आता है, 507, तो 507 को हम स्किप करेंगे, देन हम लिखेंगे 508, तो मैंने यहाँ लिखा 508। अब 508 के बाद में क्या आता है बच्चों, 508 के बाद आता है 509, जिसको हमें स्किप करना है, एंड 509 के बाद आता है 510, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 510, तो आपको यहाँ 1 नंबर को स्किप करना है, देन नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो देखिए अब आगे 510 के बाद में आता है 511, तो उसके बाद हम लिखेंगे 512, क्योंकि 11 को स्किप करेंगे एंड 12 लिखेंगे, तो 512 हम यहाँ लिखेंगे, राइट। अब आगे देखिए 512 के बाद में 513 को हम स्किप करेंगे एंड 514 लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 514। अब नेक्स्ट है आपका 515, तो 515 को हम स्किप करेंगे, देन हम 516 लिखेंगे, तो 1 नंबर को स्किप कीजिए एंड नेक्स्ट नंबर लिखिए। तो अब 516 के बाद आप 517 को स्किप करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, 518, तो 518 आप यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने ये फिल कर दिया है, तो आपको भी इसी तरह से फिल करना होगा, ओके। तो इसी के जैसे 2 क्वेश्चंस और हैं, तो वो आप खुद से करेंगे। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आपको नंबर का पैटर्न फिर से पहचानना है। यहाँ लिखा है 710, कितना लिखा है बच्चों, 710, एंड यहाँ कितना लिखा है, 720, तो 720 यहाँ लिखा है, तो बीच में गैप कितने का है, 10 नंबर्स का गैप है। देखो 10 के बाद क्या लिखा है, 20, तो 10 के बाद 20 लिखा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 30, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, तो इस तरह से हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे हमें 10th नंबर स्किप करने होंगे, तो यहाँ पे 710 लिखा है, यहाँ 720 लिखा है, अब यहाँ लिखेंगे 730, तो लिखिए 730, फिर नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे, 740, फिर 40 के बाद क्या आता है, 50, तो हम लिखेंगे 750, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 760, तो 760 लिखिए, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे बच्चों, 780, तो 780 लिखेंगे अब हम, तो मैंने लिख दिया यहाँ 780, फिर नेक्स्ट देखिए अब क्या आएगा,
यहाँ पर 80 के बाद क्या आएगा 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 790। अब 790 के बाद क्या आता है बच्चों 100, तो हम यहाँ लिखेंगे 800। 90 के बाद 100 आता है, तो इसी तरह 790 के बाद क्या आएगा बच्चों 800, तो अब 800 के बाद क्या आएगा 810, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 810। तो मैंने इस तरह से इसे फिल कर दिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट वाली रो में क्या क्या गिवन है हमें 805, 810, 815। तो यहाँ पे हमें कितने नंबर्स स्किप किए हुए हैं, 5 नंबर्स। देखिए ध्यान से, यहाँ है 805, यहाँ है 810। तो 805 और 10 के बीच में कितने डिफरेंस है नंबर्स, कितना डिफरेंस है नंबर्स का, 5 नंबर्स का, मीन्स 5 नंबर स्किप है। तो देखिए आप 805, 810 और 815। तो फिर आप क्या करेंगे, अब 815 के बाद हम लिखेंगे 820, फिर अब 20 के बाद क्या करेंगे 25, तो 825। अब 25 के बाद क्या आता है, 25 के बाद आता है 30, तो हम लिखेंगे 830। फिर 30 के बाद क्या आएगा 35, तो आप लिखेंगे 835। फिर 835 के बाद क्या आएगा बच्चों 40, तो हम लिखेंगे 840। फिर इसके बाद में क्या आएगा 45, तो 845, तो लिखिए 845। फिर 45 के बाद क्या आएगा बच्चों 50, तो हम लिखेंगे 850, राइट। तो इस तरह से आपको ये जो पैटर्न्स ऑफ नंबर्स हैं ये आपको करने हैं। इसी तरह के पैटर्न्स आपकी बुक में और गिवन है, तो उन्हें आप खुद से सॉल्व करेंगे, लेकिन आज आपको ये नोट करना है आपकी नोटबुक में, राइट।